Hey guys, welcome again to JavaTripod.com. And in this video, we are going to learn page context implicit object. Okay? So, इसके पहले जो हमने लोगों ने देखा था, वो हमने सिर्फ introduction part देखा था page context का. इस video में हम practically करके देखने वाले हैं. So, जो introduction part था, एक बार हम फिर से देख लेते हैं. Actually, page context क्या है? Page context यानी page हमारा की कोई भी particular page है. Context यानी उसका reference, यानी किसी page का reference. Okay? So, ये पेज कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारे में जो भी पेजेस रहते हैं उन सबका एक रेफरेंस है यानी एक ग्लोबल रेफरेंस है. जनरली हमें कोई डेटा वगैरह सेट करना होता है सेशन में तो हम क्या करते हैं सेशन के थ्रू सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट करते थे. रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट डॉट समथिंग एंड देन हमारा एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में या फिर सेशन में या फिर रिक्वेस्ट में या फिर पेज कॉन्टेक्स्ट में हम तीन चार टाइप के जो हमारे स्कोप होते हैं डेटा स्टोर करने के लिए डेटा पास करने के लिए तो हम पेज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू उन चारों को एक्सेस कर सकते हैं. हम चारों को वैल्यू असाइन कर सकते हैं यानी सेट कर सकते हैं उसमें एंड हम उन चारों को वापस चेक भी कर सकते हैं. ओके हमें सेट करना गेट करना सब हम कर सकते हैं यानी पेज कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट यूज करके हम सेशंस में बैटरी वैल्यू सेट कर सकते हैं और फेच भी कर सकते हैं. सेम चीज पेज कॉन्टेक्स्ट यूज करके हम पेज कॉन्टेक्स्ट स्कोप में भी वैल्यू सेट कर सकते हैं यानी पेज लेवल स्कोप में एंड थर्ड रिक्वेस्ट स्कोप में एंड फोर्थ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यानी एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यानी हमारा जैसे सेशन होता है वैसे भी ये भी एक स्कोप है और इसमें हम कहीं भी वैल्यू सेट अगर हम एक बार वैल्यू सेट कर रहे हैं तो हम कहीं पुलिट के कहीं भी कहीं किसी भी पेज से एक्सेस कर सकते हैं. जबकि सेशन में हम वैल्यू जब सेट करते हैं तो हम खाली तब तक एक्सेस कर सकते हैं जब तक सेशन लॉगिन है यानी सेशन चल रहा है. सेशन आउट होने के बाद हम नहीं एक्सेस कर सकते. ओके सो पेज कॉन्टेक्स्ट जो बाय डिफॉल्ट उसका मेन फीचर्स क्या है कि हम किसी भी स्कोप को एक्सेस कर सकते हैं यानी वैल्यू सेट कर सकते हैं वैल्यू निकाल सकते हैं वैल्यू को फेच कर सकते हैं. ओके सो मोस्ट यूजफुल फंक्शंस इन पेज कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमने देखा है पहले भी फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ. फाइंड एट्रीब्यूट कोई एट्रीब्यूट को सर्च करना हुआ गेट एट्रीब्यूट यानी एट्रीब्यूट का वैल्यू अगर हमें लेना है तो गेट एट्रीब्यूट के थ्रू हम निकाल सकते हैं. एट्रीब्यूट को हमें रिमूव करना है रिमूव कर सकते हैं. सेट एट्रीब्यूट यानी हम सेट वैल्यू को सेट कर सकते हैं किसी भी स्कोप लाइक सेशन में रिक्वेस्ट में एंड अगर हमें किसी एक पेज से दूसरे पेज में सेंड करना है फॉरवर्ड करना है तो हम फॉरवर्ड मेथड यूज कर सकते हैं. ओके सो पेज कॉन्टेक्स्ट हमारा पब्लिक वाइड सर्विस हमने पढ़ा है जेएसपी का लाइफ साइकिल. आई होप ये फर्स्ट लेक्चर जो हमारा था उसे हमने लाइफ साइकिल देखा था. ठीक है अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार जाके देखिए और तभी शायद ये समझ में आएगा. लाइफ साइकिल जेएसपी का जो होता है उसमें थ्री टाइप्स होते हैं मतलब इनिट सर्विस एंड डिस्ट्रॉय तीन होता है जिसमें जो सर्विस मेथड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने कौन से ऑब्जेक्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो उसमें से दो ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा आर्ग्यूमेंट के थ्रू क्रिएट होता है लाइक यहाँ पे देख सकते हो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एंड बाकी सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमारा उसके बॉडी के थ्रू क्रिएट होते हैं. तो ये सब जो हमारा इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है वो सब हमारे पेज कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस के थ्रू ही क्रिएट हुआ है. यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा है पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट यानी हम एप्लीकेशन का जो स्कोप है हमारा जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है हमारा एप्लीकेशन उसको जो वैल्यू असाइन हो रहा है यहाँ से पेज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू ही हो रहा है पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट यानी हमारा जितने भी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है उन सबका रेफरेंस हमारा पेज कॉन्टेक्स्ट है. ओके आई होप ये क्लियर है आपको. ओके तो फिर हम आगे चलते हैं अभी हमें प्रैक्टिकली देखना है. So, अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं जो चीज नहीं समझ में आई है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वाला आप साइट पे एक बार विजिट करिए. यहाँ पे कुछ ज्यादा ही डिटेल में दिया है ये सारी चीजें थोड़ा डिटेल में बताया है तो हम चलो अब एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं. ठीक है तो प्रैक्टिकली करने के लिए हमें नेटबीन्स ओपन करते हैं हमारा प्रोजेक्ट. ओके सो लेट्स ओपन ओके सो हम क्या करते हैं पहले सारे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ. ओके एंड देन मैं एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ फटाक से सपोज कुछ मैं सैंपल प्रोजेक्ट बना लेता हूँ. मैं फिर से प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए. बाकी तो मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं तो मैं उसमें से भी ले सकता था लेकिन कोई बात नहीं हम पेज कॉन्टेक्ट सीख रहे हैं तो हम एक नया प्रोजेक्ट ही बना लेते हैं. ठीक है यू एप्लीकेशन नेक्स्ट एंड जस्ट पास नेम लाइक पेज मैंने दे दिया यहाँ पे पेज कॉन. ओके और यहाँ पे co
एंड देन सिंपली डू इट नेक्स्ट नेक्स्ट एंड सिंपली डू इट फिनिश. ओके सो ये प्रोसेस हो रहा है. सो पेज कॉन्टेक्स्ट के बारे में मुझे लगता है आपको क्लियर हुआ है. और एक सिंपल वर्ड में बोले तो पेज कॉन्टेक्स्ट जो होता है, हमारा जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, वो हमारे सारे पेजेस के और हमारे सारे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस है. ठीक है, जो हम पेजेस के अंदर जो भी हमारे लाइक स्कोप्स होते हैं उन सबको एक्सेस करने के लिए, उसके डेटा को एक्सेस करने के लिए हम पेज कॉन्टेक्स्ट को भी यूज कर सकते हैं. इवन हम सेशन वगैरह भी यूज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट आर्ट ग्रिड पैरामीटर भी करते हैं, और तो हम उसके जगह पे ये भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो पेज कॉन्टेक्स्ट तो सबसे पहले हमारा एक HTML पेज है. तो मैं क्या करता हूँ, एक हमारा सिंपल सा JSP पेज बना लेते हैं. ठीक है, पेज कॉन्टेक्स्ट के लिए मैंने यहाँ पे एक वेब पेजेस के अंदर एक JSP पेज क्रिएट कर लेता हूँ. यहाँ पे ये मेरा JSP पेज है एंड यहाँ पे मैंने कुछ नेम दे दिया, समथिंग कुछ भी नेम दे सकते हो. मैंने दे दिया सिंपली पेज कॉन्टेक्स्ट सैंपल. ओके एंड देन जस्ट फिनिश इट एंड लेट्स चेक इट अगेन. ओके सो हमारा ये पेज रेडी हो चुका है. अभी ये जो पेज कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हम उसको यूज करके वैल्यू सेट करेंगे सेशन में, रिक्वेस्ट में, एंड हमारा पेज कॉन्टेक्स्ट जो लेवल है एप्लीकेशन लेवल है उसमें. ठीक है, तो अभी हमें सिंपली क्या करना है, सिर्फ हमें या तो इसी पेज में रिड्राइव करना है, तो इसी पेज में सेट करके सेम पेज में रिड्राइव कर सकते हो, या फिर दूसरे पेज पे भी कर सकते हो. मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्म बना लेता हूँ फटाक से. उस फॉर्म में ही हम डेटा सेट करेंगे और उस फॉर्म से हम डेटा को रीड करके सेट करेंगे एंड देन किसी और पेज पे हम उसको रीड कर सकते हैं. मतलब मैं करके दिखाता हूँ, शायद आपको सही से समझ में आए. या फिर ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट क्रिएट करता हूँ. ओके और यहाँ पे मैं सिंपली सेट करता हूँ हमारा जो भी वैल्यू सेट करना है पेज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, पेज कॉन्टेक्स्ट. ओके डॉट सेट एट्रीब्यूट. ओके यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारा एट्रीब्यूट का नेम डबल कोट्स के अंदर पास करो, ध्यान रहे डबल कोट्स के अंदर पास करना, क्योंकि वो वेरिएबल का नेम है. ठीक है, वेरिएबल का नेम यानी उसके अंदर वैल्यू असाइन होने वाली, कोई भी किसी भी टाइप का वैल्यू जो उसके अंदर असाइन होगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले दे देता हूँ where one एंड देन यहाँ पे वैल्यू हमें पास करना है. तो मैं कोई फिलहाल कॉन्स्टेंट वैल्यू पास करता हूँ सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो मैंने यहाँ पे where one की जगह जो वेरिएबल है उसके अंदर मैं एक वैल्यू पास करता हूँ, समथिंग आलोक पांडे. ओके ये रहा हमारा आलोक पांडे. एंड देन अगर हम यहाँ पे कोई स्कोप नहीं मेंशन कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट जो इसका स्कोप रहेगा वो पेज स्कोप रहता है पेज कॉन्टेक्स्ट के लिए. ठीक है, यहाँ पे कॉमा करो, जो स्कोप सेट करना है आप सेट कर सकते हो. मैंने यहाँ पे लिया पेज कॉन्टेक्स्ट, ये हमारा पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट उसके जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स है, ये रहा हमारा. अभी ठीक है, इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल्स में पढ़ूंगा, बट अभी एक बार हम थोड़ा सा करके देखते हैं फिर उसके बाद. ठीक है, तो सबसे बेस्ट जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग के लिए, सबसे पहले हम सेशन देखते हैं. ठीक है, क्योंकि ये सेशन में जो डेटा सेव कर रहे हैं हम, इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा यहाँ पे सेव करूंगा एंड एक्सेस करूंगा मैं किसी और पेज पे. ठीक है, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए. तो मैं क्या करता हूँ, एक और पेज बना लेता हूँ यहाँ पे, JSP पेज. ठीक है, वेब पेज बनाया मैंने यहाँ पे न्यू JSP. ओके और मैं वो चीज सेशन से गेट करूंगा. अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया गेट कॉन्टेक्स्ट, गेट सेशन डेटा. ओके सिंपल फिनिश. एंड यहाँ पे हम सिंपली H1 के अंदर क्या करते हैं, हमारा एक्सप्रेशन टैग बना लेते हैं, बेटर रहेगा. इक्वल टू एंड यहाँ पे पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट. ओके गेट एट्रीब्यूट, देन यहाँ पे हमारा जो भी हमने वेरिएबल का नेम पास किया था, यहाँ पे हमने क्या पास किया था, where1, ये वाला where1. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है, तो मैं यहाँ पे where1 पास करता हूँ, where1. ओके एंड देन यहाँ पे पेज हमारा स्कोप पास करना है तो आप पास कर सकते हो लाइक पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट हमारा सेशन से था, सो सेशन स्कोप. ओके दैट्स इट. अभी हम इसको सिंपली प्रिंट करके देखते हैं. सबसे पहले मैं एक पेज को रन करता हूँ, हमारा रन.
ठीक है, कौन सा पहले वाला पेज, क्योंकि हम जहां से सेट कर रहे हैं वो हमारा है पेज कॉर्टेक्स सैंपल, एंड जो हम गेट कर रहे हैं वो है गेट सेशन डेटा। ओके, सो मैं सिंपली सबसे पहले पेज कॉर्टेक्स सैंपल को रन करूंगा और वहां से वैल्यू सेट करूंगा, देन मैं इसको रन करके फेच करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, आई होप ये प्रॉपर चलेगा। तब तक जब तक ये लोड हो रहा है तब तक हम कुछ और कर सकते हैं, कुछ और समझ सकते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, ये जो पेज कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं डिटेल में। ठीक है, पहले हम यही चेक कर लेते हैं, ये हमारा पेज लोड हो रहा है, अभी भी लोड हो रहा है, लोड होते ही जा रहा है, एक सेकंड, अब ये लोड हो चुका है। ठीक है, कम्प्लीटली हमने यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं किया, खाली सेट किया है, तो प्रिंट होने जैसा कुछ है नहीं। तो मैं यहाँ पे अगर सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं डाल देता हूँ, सेटिंग डेटा थ्रू पेज कॉन्टेक्स्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओके, एंड देन इन सेटिंग डेटा थ्रू पेज कॉन्टेक्स्ट इन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, थ्रू पेज कॉन्टेक्स्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट इन सेशन। ओके, तो यहाँ पे सिंपल पास कर दो इन सेशन, जो से तुम लोगों को समझ में आया, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बट मैं समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ ये। ठीक है, सेव किया मैंने, अब शायद आपको समझ में आया, शायद पहले भी समझ में आ रहा होगा, बट नहीं पता मुझे आप समझ रहे हैं कि नहीं, बट मैं कोशिश करूंगा पूरा आपको समझाने की। ठीक है, ओके, कौन सा पेज में मैं लिख रहा हूँ, देखो थोड़ा ध्यान दो, मैं इस पेज में लिख रहा हूँ, रन उसको कर रहा हूँ, रिफ्रेश हम दूसरे वाले को कर रहे हैं, ये सब ध्यान देने वाले, हमें यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे पास करता हूँ वी, ओके, सेव किया, सॉरी कंट्रोल जेड, यहाँ पे पास करना है हमें एक्चुअली कंट्रोल के, यहाँ पे एच वन ले लेता हूँ मैं, एक एच वन, ये फोकट का टाइम वेस्ट हो रहा है तो मैं इसे फटक से खत्म कर देता हूँ, सो स्टॉप इट सिंपली, कंट्रोल वी एंड देन जस्ट डू इट सेशन, ओके, सेव किया, F5 एंड लेट्स रन दैट पेज, सेटिंग डेटा थ्रू पेज कॉन्टेक्स्ट इम्प्लिसिट इन सेशन ब्ला ब्ला, एंड लेट्स रन दिस वन, ओके, एंड रन इट सिंपली, एंड सेशन डेटा यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, सेशन डेटा, ये हमारा देखो, आप देख सकते हो सिंपली मैंने पेज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू डेटा सेट किया था इस पेज से, और उसका आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, आउटलुक पा रहे, ओके। यहाँ पे फिर से एक बार ध्यान दो, यहाँ पे मैंने स्कोप जो पास किया वो सेशन स्कोप है, एंड देन यहाँ पे सेशन डेटा, सेशन डेटा यानी उसका वैल्यू इसके अंदर था, मैंने उसको प्रिंट कर दिया सिंपली यूजिंग सेशन टैग, एंड यहाँ पे सेट किया था इस पेज से। ओके, आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग, एंड लेट्स चेक विदाउट पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन स्कोप, मैं ये चीज निकाल के फिर चेक करता हूँ, फिर हम देखते हैं आता है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने वहां पे सेशन में सेट किया है, एंड देन यहाँ पे चेक करते हैं आ रहा है या नहीं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, ओके, यहाँ पे रिफ्रेश किया, एंड मैंने यहाँ से स्कोप निकाला है, कौन सा सेशन स्कोप, फिर देखते हैं वैल्यू आ रहा है कि नहीं। ठीक है, सेशन डॉट डेटा, मतलब वैल्यू आ रहा है, बट हमें बता रहा है सेशन डॉट, मैंने यहाँ पे जो लिखा था कॉन्स्टेंट वैल्यू, मतलब वो हमने डेटा सेट किया है सेशन में, बाय डिफॉल्ट पेज कॉन्टेक्स्ट को पता है ये वाला एट्रीब्यूट किस स्कोप में सेट है, तो वो वहीं से डेटा फिच करके लेके आ रहा है और हमें प्रिंट कर रहा है, विदाउट हमने कोई भी स्कोप यहाँ पे पास नहीं किया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रॉन्ग स्कोप पास कर दूं, सपोज मैंने यहाँ पे पेज पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट हो रिक्वेस्ट स्कोप, ओके, देन हम ट्राई करते हैं एक बार रन करने के लिए। ठीक है, सेव किया, एन एफ आई किया, एफ आई वो एट्रीब्यूट के थ्रू आइडेंटिफाई कर रहा है, मैं यहाँ पे एफ आई करके फिर से एक बार यहाँ पे करता हूँ, अगर आपको प्रॉपर समझ में आए, देखो मैंने यहाँ पे पास किया है रिक्वेस्ट स्कोप, एंड यहाँ पे वैल्यू जो है हमारा जो डेटा सेट है हमारा सेट एट्रीब्यूट में, हमने देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट स्कोप पास किया है, ऑटोमेटिक उस डेटा को फेच कर रहा है। ठीक है, आई होप यू गाइज आर गेटिंग एवरीथिंग, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ऑलवेज रेडी रहता हूँ आप लोगों को बताने के लिए, आंसर देने के लिए। ओके,
तो चलो हम एक बार थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पेज कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो हमारा ये पेज कॉन्टेक्स्ट क्लास है उसके अंदर है क्या। ओके तो सिंपल कंट्रोल प्रेस करके उससे पेज कॉन्टेक्स्ट पे क्लिक करो और देन आपका ये क्लास हमारा जो भी रहेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ पे ओपन होता है। आप देख सकते हो ये एक पेज कॉन्टेक्स्ट जो पेज कॉन्टेक्स्ट और हमने लिखा था रिक्वेस्ट स्कोप वो बाय डिफॉल्ट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, पेज कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये हमारा जो एक्सटेंड करता है जेएसपी कॉन्टेक्स्ट को, यानी हमारा जो पेज रहता है उसका रेफरेंस को एक्सटेंड कर रहा है। एंड देन उसके अंदर जो वैल्यूज हैं यहाँ पे देख सकते हो स्टेटिक है, जो हमने अभी लिखा था स्कोप हर एक का कॉन्स्टेंट वैल्यू भी है यानी एक न्यूमेरिक वैल्यू भी है और हम पेज स्कोप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ओके एंड हम उसका वैल्यू भी पास करते हैं, यहाँ पे हमने जो पेज स्कोप सेशन लिखा था उसके जगह पे हम ये वाला इसका 2-3 का वैल्यू भी पास कर सकते हैं सेशन के लिए। ठीक है, अगर रिक्वेस्ट स्कोप में सेट करना है तो हम 2 भी पास कर सकते थे वहां पे, एप्लीकेशन स्कोप में सेट करना है तो हम 4 भी पास कर सकते थे वहां पे सिंपली। ठीक है, ये ध्यान देना है। और वो बाय डिफॉल्ट उसका जो हमारा मॉडिफायर से आप देख सकते हो पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट, इंट टाइप का फाइनल है एंड स्टैटिक है, स्टैटिक है विदाउट हम ऑब्जेक्ट के एक्सेस कर रहे हैं, डायरेक्ट क्लास के नेम के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं इसलिए स्टैटिक है। फाइनल इसलिए है क्योंकि हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, सो जो हमारा इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे देख सकते हो सब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेंशन है। ये देखो क्या है, जितने भी हमारे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट हैं पेज पेज कॉन्टेक्स्ट रिक्वेस्ट रिस्पांस कॉन्फ़िग सेशन आउट एप्लीकेशन एक्सेप्शन जितने भी हमारे हमारा जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है उसका स्ट्रिंग जो हमारा ये एक्चुअल उसका जो पाथ है यहाँ पे पेज नाम के वेरिएबल में जो स्ट्रिंग टाइप का है उसमें स्टोर्ड है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा हम और नीचे चलते हैं, इसके अंदर जो मेथड्स हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि एब्स्ट्रैक्ट फॉरवर्ड जो यूजफुल है इंक्लूड है, इंक्लूड इंक्लूड के साथ जो पैरामीटर है देख लो यूआरएल पाथ मतलब जिस पेज पे हमें सेंड करना है फॉरवर्ड एंड इंक्लूड आपको पता होना चाहिए कि मैंने सर्वर्ट में बताया था कि ये रिक्वेस्ट डिस्पैचर के साथ यूज होता है। रिक्वेस्ट डिस्पैचर का 2 मेथड है जो है एक इंक्लूड है और एक फॉरवर्ड है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हम पेज कॉन्टेक्स्ट के क्लास के थ्रू भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, वहां से भी हम सेंड कर सकते हैं, ये वाला पेज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू भी हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, सो समझना जो है एक्चुअल यहाँ पे कि पेज कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली है क्या। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस है, जितने भी प्रोडक्ट के अंदर जो पेजेस होते हैं हमारे जेएसपी पेजेस उन सबको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, उस सब के अंदर डेटा रख सकता है, मतलब स्कोप में डेटा रख सकता है, किसी भी स्कोप में डेटा रख सकता है। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट बहुत सारे मेथड्स हैं, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो एक और हम सिंपल सा एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट का। ओके, सो सिंपली लेट्स डू दैट। हमारा यहाँ पे जो हमने पेज कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे सेट किया है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट एप्लीकेशन ये जो हमारा फर्स्ट वन है ये वाला स्कोप सेट करते हैं। ठीक है, और सेव किया मैंने सेट एट्रीब्यूट को, देन हम यहाँ पे जाते हैं कौन सा हमारा जो पेज मैंने बाय डिफॉल्ट रन किया है, आई होप तो ये था सेटिंग डेटा। ओके, रिफ्रेश किया मैंने यहाँ पे F5 किया, अभी भी देखो डेटा आ रहा है, यानी यहाँ सेशन से डेटा हट के हमारा जो है मैंने यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू पास किया है इसलिए यहाँ पे सेशन शो हो रहा है। कौन सा, गेट सेशन डेटा के अंदर गेट सेशन डेटा, यहाँ पे सेशन डेटा निकाल देते हैं अगर हम सिंपली, तो ये हमारा पेज कॉन्टेक्स्ट हमारा जो भी वैल्यूज पास कर रहे हैं वो है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ सबको एक साथ सब वैल्यू को पास करते हैं। ठीक है, सिंपली ये चीज मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं एक दो वैल्यू को पास करता हूँ सी एंड देन मैं यहाँ पे कंट्रोल वी एंड यहाँ पे मैं सबके लिए अलग अलग डेटा सेट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट भी करने के लिए और मैं यहाँ पे Where 2, where 3 कर देता हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे भी चेंजेस करने वाला हूँ सेट जहाँ पे हमने सेट किया है। मैं क्या करता हूँ इसके लिए सिंपली मैं लिखता हूँ सबसे पहले PR एंड देन यहाँ पे लिखता हूँ मैं सेशन की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ एप्लीकेशन CATION एप्लीकेशन स्कोप। ओके एंड यहाँ पे सेशन SCOP स्कोप। ओके एंड देन यहाँ पे फाइनल में यहाँ पे रिक्वेस्ट स्कोप भी लिख देता हूँ। SCOP स्कोप ओके कॉलन एंड लेट्स सेट दैट डेटा पेज कॉन्टेक्स्ट और सैंपल सेम चीज़ें मुझे लगने वाला है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ
एंड देन कंट्रोल वी तीन लिया था थ्री टाइप के। इसके अलावा एक और होता है हमारा पेज, फिलहाल हम इतना देख लेते हैं। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की जगह मैं यहाँ पे डॉट पहला वाला हमारा सेशन था तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सेशन लिख देता हूँ, कंट्रोल स्पेस सेशन। ओके नेक्स्ट वाला हमारा एप्लीकेशन था, लास्ट वाला हमारा रिक्वेस्ट था। ओके डॉट रिक्वेस्ट स्कोप। ओके आई होप समझ में आ रहा है। ध्यान देना है हमारा पेज कॉन्टेक्स्ट सैंपल है, ये जहाँ पे हम गेट कर रहे हैं ये हमारा ये वाला पेज है। हमारा कौन सा पेज है, गेट सेशन डेटा। ओके स्कोप सेव किया मैंने, अभी मैं इसको सिंपली रन करता हूँ। रन मैंने पहले से भी किया है तो यहाँ से भी हम रिफ्रेश कर सकते हैं। सेटिंग डेटा F5, यहाँ पे कुछ वैल्यू शो नहीं होने वाला है, बस हमने जो कॉन्स्टेंट वैल्यू पास किया है वही है। इन सेशन की जगह हम तीन स्कोप में सेट कर रहे हैं तो इन सेशन का कुछ मतलब नहीं यहाँ पे। सो मैं अभी यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ओके एप्लीकेशन स्कोप आलोक पांडे, सिर्फ सेशन का डेटा आया है। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ सेशन का डेटा आया है, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है जो सिर्फ सेशन का डेटा आ रहा है। मैं नेटबीन्स में जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं सिंपली चेक करता हूँ पेज जो हमने सेट किया है, पेज कंट्रोलर्स गेट एट्रीब्यूट सेशन। ओके मैंने यहाँ पे क्या किया है, सेशन स्कोप लिखा है। मुझे यहाँ पे लिखना है डॉट एप्लीकेशन स्कोप एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट स्कोप। ओके सेव किया एंड देन हमें यहाँ पे वेरिएबल का जो नेम है वो भी चेंज करना है, यहाँ पे वायर 1, 2, 3। ओके डन सेव, लेट्स चेक इट अगेन। जल्दबाजी में भूल गया था वो सारी चीज सेट करने के लिए। मैं यहाँ पे F5 करता हूँ। अभी देखो आलोक पांडे, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, जो हम क्या कर रहे हैं डेटा सेट कर रहे हैं, बट कहाँ पे सेट कर रहे हैं, एक सेशन में सेट कर रहे हैं और एक एप्लीकेशन यानी पूरे पेज का जो ग्लोबल होता है ना वो हमारा एक कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनता है बाय डिफॉल्ट। मैंने बताया था जब सर्वर पे रन होता है तो एक कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनता है। आपने अगर नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार हमारा जेएसपी का फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसमें प्रॉपर समझ में आएगा। जब हमारा पेज रन होता है फर्स्ट टाइम सर्वर पे तो एक कॉन्टेक्स्ट लेवल का ऑब्जेक्ट बनता है, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो पूरे प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल रहता है वो हमारा होता है एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट हमारा जो रहता है ना पूरे प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल रहता है। तो हमने जो एप्लीकेशन स्कोप में सेट किया है वो डेटा मिल रहा है और स्कोप जो सेशन में सेट किया है वो दोनों डेटा मिल रहा है हमें, ठीक है। तो रिक्वेस्ट हमने नहीं किया है, ये क्या है, रिक्वेस्ट तब होता है जब हम किसी पर्टिकुलर पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट को पास किया है और यहाँ पे वेरिएबल दिया है वायर 3 आलोक पांडे पास किया है, बट उसके अंदर डेटा नहीं सेट हो रहा है क्योंकि ये रिक्वेस्ट नहीं है, हम एक सेपरेट फाइल सेपरेट पेज रन कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम सबमिट करते हैं जब डेटा फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म के साथ हम कुछ डेटा सबमिट करते हैं, दैट टाइम जो डेटा पास होता है वो रिक्वेस्ट के थ्रू जाता है, यानी वो रिक्वेस्ट स्कोप से होके जाता है जो जिस पेज पे जा रहा है। एक्सेल में जो भी हम यूआरएल पास कर रहे हैं वो क्या है, एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के थ्रू जा रहा है डेटा। तो अगर हम फॉर्म से डेटा ले रहे हैं देन हम रिक्वेस्ट में वो सेट करके फेच कर सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे मैं इतना समझता हूँ कि ये जो हमारा एक्चुअल मीनिंग था पेज कॉन्टेक्स्ट का, हम किसी भी स्कोप पे डेटा सेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें थी, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थोड़ा और डिटेल में। और अगर आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, पूछिए जो नहीं समझ में आया है, मैं आपको हर समय बताने के लिए तैयार रहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो सच में समझ में आया पसंद आया तो प्लीज लाइक करना सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके थैंक यू।